वेलकम बैक टू चार्ल्स कास्ट वॉचिंग वाइस टिप्स। सो गाइस संडे अर्निंग में आपका स्वागत है और आई होप आप लोग अपने संडे अच्छी तरह से एंजॉय करते होंगे। सो गाइस इस संडे अर्निंग में हम आपके लिए जो एप्लीकेशन लाए हैं वो इंडिया बोल्स थनी ऐप, जो कि गाइस पहले लोन प्रोवाइड करता था, लेकिन इस समय इस एप्लीकेशन में कुछ अर्निंग के टिप्स एंड तरीके आ गए हैं जहां से आप इस एप्लीकेशन में लोन लेने के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। यहां पे अर्निंग के तरीके काफ़ी डिफरेंस है कंपेयर को अर्निंग एप्लीकेशन, लेकिन आपको अर्निंग तो देता ही है। और इस जो अर्निंग है, इस अर्निंग से गाइस अगर इंडिया बुल्स धनी ऐप से आप लोन भी लेते हैं तो उस लोन को इस अर्निंग से चुका भी सकते हैं, यानी कि आपको कोई अलग से पेमेंट की नहीं जरूरत है, आप इसी के पेमेंट से उस अर्निंग को भर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे खासे तरीके जहाँ पे रेफर अर्निंग और सेल्फ अर्निंग आपको दोनों मिल जाती है। सो इस वीडियो में आपको ये जो इंडिया बुल्स पार्टनर है इसी अर्निंग के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये जो इंडिया बुल्स धनी ऐप है ये एक लोन एप्लीकेशन है, लेकिन अभी कुछ समय पहले इसमें ये जो अर्निंग के तरीके हैं इसमें लॉन्च किया गया है जहाँ पे लोन लेने के साथ साथ आप इसमें अर्निंग भी कर सकें। अर्निंग करना काफ़ी सिंपल है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो धनी एप्लीकेशन है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, नहीं जानते, तो आप वहाँ से इसे इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद गाइस सिंपली ये जो धनी एप्लीकेशन से आपको इसको अपने फ़ोन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे इसका होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे गाइस मैंने लॉगिन कर लिया है, लेकिन आपको आपके फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि मतलब कि जो लोग धनी यूज करते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं यूज करते हैं मैं आपको बता दूं कि जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको तब देना पड़ेगा जब आप इस एप्लीकेशन से कोई लोन लेते हैं, तो लोन लेंगे तभी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद लोन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अर्निंग के तरीके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे पांच ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहले आपको तीन ही ऑप्शंस थे, होम लोन एंड प्रोफाइल, लेकिन आप यहाँ पे पांच ऑप्शन, यहाँ पे होम लोन ऑफर्स वैलेट एंड प्रोफाइल, पांच ऑप्शंस, लेकिन इसमें से जो दो ऑप्शन है ऑफर्स एंड वैलेट इसी में अर्निंग के सारे तरीके एंड टिप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक स्पिन करने वाला ऑप्शन है जहाँ पे डेली आपको स्पिन करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से स्पिन करके इसमें पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, जो कि गाइस एक कूपन कोड जैसे होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे गाइस कुछ गेम मतलब कि गेम मिलता है। यहाँ पे गाइस कुछ ईएमआई के मतलब चिप्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स में अर्निंग होती है, यानी कि जो आप इसमें अर्निंग करेंगे वो पॉइंट्स में होता है। तो यहाँ पे 5000 जो धनी पॉइंट्स अगर आप अर्न करेंगे तो वो 5000 एक कैश के रूप में होगा, यानी कि एक पॉइंट्स के यहाँ पे एक रुपये आपको बताया जाता है। और यहाँ पे लोन से सारे तरीके हैं। तो अर्निंग करने के लिए सिंपली आपको ये जो ऑफर्स ऑप्शन है आपको इस ऑफर्स वाले ऑप्शन में चले आना है। और गाइस यहाँ पे ऑफर्स ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे अर्न करके सारे तरीके दिए रहते हैं। तो यहाँ पे अर्न धनी पॉइंट्स, रिडीम धनी पॉइंट्स एंड ऐसे सारे तरीके हैं। तो आपको अर्न करने के लिए इसमें जाना पड़ेगा। इसमें आपको इसके डिटेल्स में कुछ दिया रहता है जहाँ पे वेलकम गिफ्ट आपको मिलता है, यानी कि जब आप कोई लोन लेते हैं इस एप्लीकेशन से तो आपको यहाँ पे वेलकम गिफ्ट मिलता है। इसके साथ साथ गाइस आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके भी अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलता है फ्रेंड्स को इनवाइट करने के बाद। यहाँ पे आप इसमें मतलब कि एक वॉलेट का ऑप्शन जो मैंने बताया उसमें आप रिचार्ज करेंगे तब आपको पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पे आप कोई टिकट बुक करेंगे तब आपको पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पे गाइस स्पिन करने का आपको पॉइंट्स तो मिलता ही है। और यहाँ पे अवेलेबल फॉर लोन, यानी कि लोन लेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलता है। यहाँ पे इसके साथ रिडीम पॉइंट्स का भी ऑप्शन था जहाँ पे गाइस पे ईएमआई ड्यू टू डेट कन्वर्ट धनी पॉइंट्स, मतलब कि आपको ईएमआई पे करना है तो वहाँ पे गाइस आपको मतलब कि मान लीजिए 250 रुपये आपको हर महीने पे करना है, आप यहाँ पे 250 पॉइंट्स हर महीने अर्न कर लेंगे तो उसे ही पे कर सकते हैं। आपको अलग से पेमेंट्स डालने की जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट से ही मतलब कि अपने ईएमआई पे कर सकते हैं, इसी में अर्न करके इसी से पे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जहाँ से पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद साथ गाइस यहाँ पे आपको मतलब कि आप इसमें गाइस धनी जो पेमेंट ऐप है इस पॉइंट्स को उससे पे भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी रिचार्ज वार्ज जो भी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे इनके मतलब कुछ कस्टमर स्टोरी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वॉलेट वाला ऑप्शन है जिसमें आपको सारे मतलब कैश से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स जो आपको गाइस क्रेडिट होता है वो आपको मतलब कि दिखता नहीं है, वहाँ पे आपको एक्टिविटीज में आता है पॉइंट, जो रिवार्ड मिला रहता है रिवार्ड में आता है, लेकिन गाइस वो इसमें क्रेडिट नहीं होता। लेकिन जब आप इसे यूज करेंगे कोई पेमेंट करेंगे तब वहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज करने वाला, और वहीं पे आप इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो धनी वॉलेट ऐप है इसको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले मिनी केवाईसी करना पड़ता है। मिनी केवाईसी के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद उसमें वेरीफाई किया जाता है, मिनी केवाईसी होता है। और उसके बाद यहाँ पे धनी पे ऑप्शंस ओपन हो जाता है जहाँ पे गाइस आपको मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड यहाँ पे सारे टिकट्स ऑप्शंस रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट्स के तरीके या फिर अर्निंग के तरीके, जहाँ पे गाइस आपको रिचार्ज करने पे आपको यहाँ पे कुछ कैशबैक मिलेगा, बिल पे करने पर गिफ्ट कार्ड मिलेगा, बस बुकिंग
और इसके साथ साथ आप यहाँ से पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे एक ऑप्शन मिलता है धनी रुपए पे कार्ड, मतलब कि आपको इसमें एक आपका डेबिट कार्ड भी मिलता है, वो तब आपको मिलेगा जब आप इसकी फुल केवाईसी करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको अर्निंग के तरीके बताए, उसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रोफाइल में आके आपकी डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे एक रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने आपको बताया। तो रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं, उस तरह अर्न कर रहे हैं स्पिन करके अर्न कर सकते हैं। तो जितने रिवॉर्ड मिलते हैं वो सारे आपके रिवॉर्ड्स वाले ऑप्शंस में क्रेडिट होते हैं और वहीं से उसका यूज किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे रेफर एंड अर्न करने का तरीका ये है कि आपको रेफर करेंगे तो जब कोई आपके मतलब रेफरल से कोई लोन लेगा, यानी कि आप जिस फ्रेंड को रेफर करनी है वो आपका रेफरल एक्सेप्ट किया और इस एप्लीकेशन से वो लोन लेगा तो आपको यहाँ पे 1000 कैशबैक मिलेगा, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो गाइस कोई क्रेडिट करता है तो 500, और मतलब कि हर यूजर्स को अगर उसने रजिस्टर किया 10 रुपये मिलेगा। तो सारा कुछ इसके रेफरल कोड पे ही डिपेंड आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो गिफ्ट मिलता है उसको देखने के लिए यहाँ पे वैलेट में एक एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलता है। इस एक्टिविटीज वाले जो ऑप्शन है इसी में जाके गाइस आप अपने सारे जो भी गिफ्ट मिलते हैं उन सब के बारे में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे गिफ्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, बाय, रिडीम, रिसीव एंड रिवॉर्ड। तो रिसीव वो होता है जो आप मतलब कहीं से पाते हैं, और रिवॉर्ड गाइस आपको यहाँ पे वो जो स्पिन करते हैं वो मिलता है, और ऐसे मतलब सारे गिफ्ट मिलते हैं जो कि गाइस यहाँ पे आपको क्रेडिट होते हैं और कुछ पॉइंट्स में भी रहते हैं और जब आप यूज करेंगे तो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोन भी ले सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। और गाइस यही कुछ है इस धनी एप्लीकेशन के बारे में जो कि एक बहुत ही कमाल का अर्निंग भी ऐप है, लोन भी ऐप है। और आई होप आपको इसकी सारी डिटेल्स अर्निंग के ट्रिक्स समझ में आई होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जब मिलते हैं अगले संडे अर्निंग मिले, तब तक के लिए एज ऑलवेज से डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।